प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें जो है फिर से ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के उस हिस्से को हम देखते जा रहे हैं जहां हमने ये देखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बढ़ करके है। पिछली बार हमने देखा हमारा प्रभु यीशु मसीह हारून महायाजक से बढ़ करके है। और आज हम ये देखेंगे उसी से संबंधित थोड़ा सा कि जितने भी महायाजक और याजक अब तक हुए, प्रभु यीशु मसीह के आने तक हुए, उन सबसे बड़ा याजक महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो है उसका वर्णन जो है दो तीन जगह पाया जाता है, लेकिन मैं एक जगह से पढ़ रहा हूं और वो है इब्रानियों के पत्री 4:14 से। इब्रानियों के पत्री 4:14 से मैं ये पढ़ रहा हूं और वहां ऐसा लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा ऐसा महायाजक जो हारून से लगा करके कई पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद कोई याजक नहीं, कोई महायाजक नहीं, क्योंकि वो प्रथम और अंतिम, वो अल्फा और ओमेगा, और वो पृथ्वी से नहीं वो स्वर्ग से होकर के आया। और लिखा है कि समय के हिसाब से उसमें धुंधलापन नहीं और न ही मृत्यु उस पर हावी। इसलिए बलिदानों का चढ़ाना प्रभु यीशु मसीह के बाद बंद हो गया, बंद हो गया। कलीसिया चर्च आज कोई बलिदान नहीं चढ़ाती और कोई पर्व नहीं मनाती, कोई जो है सेक्रीफाइस किसी भी रूप में नहीं चढ़ाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए सुन दोस्तों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो समय के हिसाब से जो महायाजक लोग आए उनसे भी बढ़कर, उनसे भी बढ़कर। और जैसा मैंने कहा कि हमने देखा कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, मृत्यु परिणाम था पाप का, मतलब हर महायाजक भी पाप के अधीन था, शारीरिक पाप, संसारिक पाप जो न चाहते हुए भी हो रहे थे, वो जो है प्रभु यीशु मसीह इनसे परे, इनसे परे। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मसीहा और उद्धारक, परमेश्वर के बेटे, मनुष्यों के बेटे और पापियों के मित्र। और लिखा है इब्रानियों के पत्र में कि प्रभु यीशु मसीह को महायाजक कहा गया, जो हिस्सा हमने देखा इब्रानियों के पत्री 2:17, 4:14 और जो है जो महायाजक याजक होता है उसमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, वो जो है धार्मिकता के जो है रीति रिवाज जो है पूरे करता। सो प्रभु यीशु मसीह
पिता की धार्मिकता के अनुसार वो सब कुछ पूरा करते हैं जिसकी पिता डिमांड करते हैं, जिसकी पिता डिमांड करते हैं। और जब हमने देखा था कि अब्राहम अपने जो है भाई के लड़के लूत को लेकर के आ रहा था उस युद्ध से जीत करके, तो मलिकिसदेक जो है याजक मिला था उसको, जो परमेश्वर का याजक था, और अब्राहम को आत्मा ने अगुवाई करी, तो अब्राहम ने अपनी सब लूट का दशमांश मलिकिसदेक को दिया, मलिकिसदेक को दिया। अब मलिकिसदेक एक लेवी गोत्र का नहीं था, लेकिन बाइबल बताती है कि लेवी उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। लेवी तो जो है याकूब के संतान में थे, और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, लेकिन लेवी जो है आत्मा में अब्राहम में था, अब्राहम में था, अब्राहम के बाद इजहाक, इजहाक के बाद याकूब, और फिर लेवी गोत्र आया। लेकिन अब्राहम ने किसको दशमांश दिया? ऐसे व्यक्ति को जो लेवी गोत्र का नहीं था। और ये किसको प्रकट करता है? ये प्रकट करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को। अब्राहम ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए तरसा, और जब मैंने उसे दर्शन दिया तो वो खुशी से भर गया। लोगों ने पत्थर उठा लिए, बोले तू 50 साल का भी नहीं, तू कैसे अब्राहम से बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसके पहले कि अब्राहम होता, मैं हूं। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो याचकों का याजक, महायाजक, हमारे पूर्वजों का भी याजक, और जो है फिर अब्राहम ने जब दशमांश दिया तो फिर बाइबल बताती है लेवियों को भी कहा गया, तुम भी अपना दशमांश दो, सारी पब्लिक तुम्हें दशमांश देगी, और जो दशमांश आएगा तुम्हारे पास उसका दशमांश तुम दोगे। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और इब्रानियों के पत्रिका 9:7 आए कि लेवी भी अपना दशमांश देंगे, लेवी भी अपना दशमांश देंगे, और अपने पाप के लिए रोज बलिदान चढ़ाएंगे, रोज प्रतिदिन, प्रतिदिन का बलिदान, फिर साप्ताहिक बलिदान, फिर मासिक बलिदान, और फिर वार्षिक बलिदान। सब लोगों के साथ लेवी को भी ये बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि कोई भी लेवी इतना परफेक्ट नहीं कि परमेश्वर पिता के सामने खड़ा रह सके। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 5 स्वर्गदूत ने खुला चैलेंज करा कि कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है, जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में जो पुस्तक है उसको लेने के योग्य कौन है? तो यूहन्ना बोलते हैं, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई और, न अब्राहम न हारून न कोई मूसा न एलिया न कोई और व्यक्ति न कोई स्वर्गदूत इस योग्य निकला कि उस पुस्तक की ओर दृष्टि कर ले। लेने और खोलने की बात, मोहरे तो बात की बात है, उस पर दृष्टि करने के योग्य भी निकला। उसमें हम सबको शामिल है, हम सबको न्योता दिया गया। कौन इस योग्य है? एक भी नहीं था। यूहन्ना रोने लगे तो परमेश्वर के उस स्वर्गदूत ने कहा, मत रो, देख दाऊद का वो मूल जो यहूदा का सिंह है, वह वध किया हुआ मेमना उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। मत डर, वो मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह जो है इस योग्य है, अन्यथा कोई नहीं। खुला चैलेंज सबको कहा गया, सबके लिए कहा गया, सबको आमंत्रित करा गया
कि कौन उस पुस्तक को लेने, तो लेना तो दूर जैसे मैंने कहा उसकी ओर देखने के योग्य नहीं निकला कोई। और लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब एंगलों से देखें, नियम की दृष्टि से देखें, लॉ की दृष्टि से देखें, जो है वंशावलियों की दृष्टि से देखें, सब एंगल से देखें, वो सर्वश्रेष्ठ। और उसने भेड़ बकरियों का बलिदान लेकर उस पवित्र और महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया। इब्रानियों के पत्र का 7:26-27 आयत में लिखा है, अपना स्वयं का लहू लेकर के वो महापवित्र स्थान में गया, तो पिता ने जो पर्दा महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में था वो पर्दा पिता ने फाड़ दिया। अब पिता तक हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता तक हमारी पहुंच दिन और रात हम पिता के पास प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से पहुंच पाते। आज भी जो घटना 2000 साल पहले उस क्रूस पे संपन्न हुई वो आज भी ऐसा जो है हमारा परमेश्वर, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो अब तक जितने भी याजक और महायाजक हुए उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ। और देखें प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय, उसके 5वें अध्याय, उसके 19वें अध्याय, यहाँ 3 जगह कम से कम लिखा है उसने अपने ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को, लोगों को अपना बेटा बेटी तो बनाए, उसके अलावा उन्हें याजक भी बनाया। आज हमारा अभिषेक उसी पिता की ओर से जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारा महायाजक बनाया, वो सबसे पहले आगे, हम उसके पीछे पीछे, हम उसके पीछे पीछे। ये है आज के याजक और हम सबका महायाजक प्रभु यीशु मसीह, जो है उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। जैसा हमने देखा जीसस और ग्रेट हाई प्रिस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है ऐसा बड़ा महायाजक जो समय के हिसाब से धुंधला नहीं पड़ा, मौत उसको मार नहीं पाई, दबा नहीं पाई। उसने स्वयं प्रकाशित वाक्य में कहा, मैं मर गया था, लोगों ने मुझे मार डाला उस सलीब पर, लेकिन मैं 3rd दिन जी उठा, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, और मैं युगान युग जीता हूं। प्रकाशित वाक्य का 1वां अध्याय आप जो है पीछे के आए थे आप पढ़े, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, दूसरे महायाजकों को, याजकों को मौत रहने नहीं देते थे, लेकिन यहां वो महायाजक जो मौत से जी उठा, जिसने मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें भी उसने कहा अनंत जीवन तुम्हारा। और प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक, महायाजक, और हम याजक, इससे बड़ी बात और क्या। जीसस क्राइस्ट और ग्रेट हाई प्रिस्ट, प्रभु के चरणों में हम भी झुकते हैं, प्रभु के चरणों में हम भी झुकते हैं। हमारा परमेश्वर सारे अब तक जितने महायाजक हुए उन सबसे बढ़कर, हारून से बढ़कर, मलिकिसदक से बढ़कर, एलियाजर पिनहास से बढ़कर, यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे।
प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। मौत प्रभु उन महायाचकों को भी याचकों को भी रहने नहीं देती थी, लेकिन आप स्वयं कहते हैं, आप मृत्यु के ऊपर आप स्वयं के बलिदान को लेकर पिता के पास गए। परिणाम स्वरूप आज आप वैसे ही युग युगान से युग युगान तक महायाचक, और आपने अपने बच्चों को भी अपना याचक बनाया। क्या कहें पिताजी, क्या कहें पिताजी। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल याहवे एलोहेनु याहवे एहद। Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.